नहीं करती है कभी भी, डोंट नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन शैली विद सारिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। सो टुडे आई एम कमिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। सो चलिए बहुत डिले ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, टुडेज टॉपिक इज लाइक, देखिए हम जो हमारा वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी कुछ कॉमन मिस्टेक्स बोल लीजिए या कुछ मिथ हैं जिनको हम लोग लेकर चल रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कहीं ना कहीं पे बेनिफिशियल नहीं रहती हैं या लॉन्ग टर्म वो हमारे वेट लॉस में वर्क नहीं करती हैं। सो मैं आपको बताऊंगी आज की वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स या वो कॉमन मिथ है। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन कि डोंट टेक योर वेट लॉस एज अ लाइटली। लाइक देखिए मतलब वेट लॉस को, अपने वेट को कभी भी लाइटली मत लीजिए। लाइक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे घर पर एक ना जैसे एक कल्चर हम लोग अडॉप्ट करते हैं ना, उसी तरह से इस चीज़ को ले लेना चाहिए कि वेट किसी का भी घर पे जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और अगर बढ़ रहा है तो उसे हल्के में ना लें, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि मैंने एक बार किसी से सुना तो ही वॉज लाइक कि अरे हिमाचल में भी मोटे लोग होते हैं क्या? मुझे तो लगा था हिमाचल में मोटे लोग होते ही नहीं हैं। और पहले के किड्स को आप देखेंगे तो किड्स में स्पेशली बहुत ही रेयर बच्चे आपको मिलते थे जिनका वेट जो है वो ज़्यादा होता था। बच्चों का वेट जो था स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो वेट जो है बच्चों का कम, मतलब एक मेंटेन वेट रहता था। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि फास्ट फूड इतना ज़्यादा हो गया है, वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक यू नो, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है वी आर गिविंग देम अ मैगी और लाइक यू नो जंक, लॉट ऑफ जंक आजकल बच्चे लेते हैं जिस वजह से वेट के ऊपर। एंड हम लोग सोचते हैं अरे नहीं छोटा है गोलू मोलू ही अच्छा लगेगा, बट टेक इट सीरियसली गाइज, टेक इट सीरियसली। हमें ना जब हम बार बार मतलब हेल्थ के बारे में हमारे बच्चों के सामने बात करेंगे या बड़ों के सामने बात करेंगे या कोई भी पर्टिकुलर किसी भी इंसान को ले लीजिए, तो हमें सबसे पहले तो ना गाइज अगर हमारा वेट बढ़ रहा है हमें उस चीज़ को जो है लाइटली नहीं लेना है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसके लिए वर्क करना चाहिए। सो दैट इज़ नंबर वन कि अपने वेट को कभी भी लाइटली नहीं लीजिए। अगर वो बढ़ रहा है यू हैव टू वर्क ऑन इज Without exercise weight loss, no exercise weight loss, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज मिथ। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी होता नहीं है, हो जाता है, आई नो। मील स्किप कर लीजिए, बहुत ही जिनके डाइट्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं आप उन डाइट्स को फॉलो कर लीजिए, हो जाएगा। बट येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। विदाउट एक्सरसाइज आपका कभी भी वेट लॉस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप किसी ना किसी डेफिशिएंसी के जो है वो शिकार हो जाएंगे। नो डाउट आपको कुछ दिन लग सकता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, बट येस दिस इज़ वेरी बैड। आपको विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस के ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर सीरियस फॉर दैट, सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड योगा एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर नहीं कर सकते, 20 मिनट निकालो यार, बट यू हैव to work on means work on your weight loss only with exercise एंड योगाज। अभी देखिए डाइट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कुछ लोगों के, मैंने दो तरह के लोगों को सुना है। नंबर वन, आपको ऐसा लगता है कि मील स्किप करके आपका वेट लॉस होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। देखिए विदाउट किसी भी डाइटिशियन से पूछे बिना कभी भी अपने वेट लॉस के लिए ना सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने, मतलब मेरी फ्रेंड थी उसने ग्रीन टी पी, यार उसका वेट लॉस हो गया। मेरी कोई और फ्रेंड है जो रात को डिनर नहीं करती है, उसका वेट लॉस हो गया। सो डोंट थिंक लाइक दैट, मे बी उनकी बॉडी उस तरह से वर्क करती हो, लेकिन आपको अगर कोई भी डाइट प्लान लेना है अपने डाइटिशियन या किसी भी डॉक्टर की हेल्प से लीजिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली सेट करते हैं कि आपकी डाइट में या आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है। किसी के बोलने या जो चीज़ किसी के लिए वर्क करी है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी वर्क करे। सो प्लीज़ अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, अगर उससे वेट लॉस होगा ना, नंबर वन की वो एक लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात होती है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो देखिए अब जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट होता है जिसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है गाइस, देखिए आपकी ना बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि जब फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो उतना ही वर्क हमारे ऑर्गन्स को करना पड़ रहा है उस फैट को ज़िंदा रखने के लिए। सो यू हैव टू वर्क कामली एंड टेक अ लॉन्ग टाइम, लाइक 3 to 4 months लगते हैं। अगर आप मैं ये सच में, दिस इज़ नॉट अ मैजिक कि आज स्टार्ट किया कल हो गया। वो सिर्फ तभी होता है जब आप लोगों ने बिल्कुल ही खाना पीना ही छोड़ दिया, आप प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर हो जाएगा। बट दैट इज नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ। आप बीमार पड़ सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी बाद में, और वो आपका एक शॉर्ट टर्म, क्योंकि देखिए हार्ड चीज़ों को ना, हार्ड डाइट को आप बहुत दिन तक फॉलो नहीं कर सकते। उतना ही कीजिए जिसे आप लॉन्ग टर्म चला सके। सो प्लीज़ मेक श्योर नो एक्सरसाइज then there is no weight loss. The question is कि करना क्या चाहिए, right? So the thing is, आपको अगर weight loss करना है तो सबसे पहली बात, don't skip your meals. Meals को skip ना करें, उतना ही करें, मतलब उतनी ही diet follow करें जिसे आप long term लेकर चल सकें। And the most important, there no stress. Stress level अपना ना बढ़ने दें, stress कम करें, और अपनी जो नींद है उसे अच्छे से पूरा करें। एटलीस्ट 7 hours अपनी नींद लेने की कोशिश करें, तभी आपका जो वेट लॉस है, आपकी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। एंड द मस्ट दैट इज डू एक्सरसाइज, डू योगा, डू जुम्बा, डू डांस, व्हाट एवर यू वांट। आपकी बॉडी को आपका जो आपका, देखिए जब आपका स्टैमिना बिल्ड होगा ना, जब आप डांस करेंगे, अगर आपको डांस पसंद है, ज़रूरी नहीं है आप एक्सरसाइज करें। इफ़ यू लाइक टू डांस, लाइक मी, मेरे को डांस बहुत पसंद है, सो आप डांस कर सकते हैं। जुम्बा पसंद है, जुम्बा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, बट येस देर इज़ नो शॉर्टकट, राइट? तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।